नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में कैबिनेट की बैठक, वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक, एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव आए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कई प्रस्ताव पर सीएम की मोहर भी लग चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे सीधे देहरादून से, जहां कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट में एक दर्जन से अधिक यानी 12 से अधिक प्रस्ताव आने की खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। वहीं देहरादून में कैबिनेट की बैठक हुई है जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि जो बैठक है उसमें 12 से अधिक प्रस्ताव आए हैं और सीएम की उस पर मोहर भी लग चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे सीधे देहरादून से, जहां पर कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगी है सूत्रों के हवाले से। अभी तक की बड़ी अपडेट आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी ने कई प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है, ये भी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों से। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यही है सीधे देहरादून से, जहां पर कैबिनेट की बैठक हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर अल्मोड़ा के चौघानपाटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे और मिष्ठान वितरण कर जोरदार खुशी मनाई। इस मौके पर अध्यक्ष समेत जनपद के पदाधिकारियों ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाकर खुशी जताई। वहीं इस मौके पर अल्मोड़ा बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी पन्ने प्रमुख तक का संगठन बनाया है और इसके साथ ही जनता मोदी के नाम पर जिस तरह बहुमत दे रही है, ऐसे में एक भाजपा पूरे देश में अपनी सरकार बनाएगी। तीन राज्यों में आज चार राज्यों के परिणाम आने थे, उसमें तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत ही नहीं तो क्या ही बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आ रही है और राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन का काम करने का जो ढंग है, कार्यकर्ताओं को आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नीचे स्तर बूथ स्तर पर तक जो हमारा पन्ना प्रमुख की जो व्यवस्था है उसके आधार पर ये जीत हुई है। तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न के साथ खुशी मनाते दिखे। हरिद्वार में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर दिवाली मनाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक पर जमकर आतिशबाजी की और डांस भी किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। तीन राज्यों में जीत का इस दौरान उन्होंने जश्न मनाया। भाजपा के शहर विधायक मदन कौशिक ने कहा कि 2024 के आम चुनाव से पहले तीन राज्यों की ये जीत भाजपा के लिए उत्साह का काम करेगी। जैसा पहले से भी अपेक्षित था, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी यानी जीत की गारंटी, नरेंद्र मोदी यानी जनता की गारंटी, नरेंद्र मोदी यानी गरीब की गारंटी। आज उस सारे विषय को सार्थक साबित होते हुए हम प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक बड़े बहुमत के साथ आए हैं। तेलंगाना में भी हम पहली बार एक बहुत अच्छी सीट लेकर और वहां भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में, तीसरे दल के रूप में उभरी। बहुत ही अच्छा है सभी को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए, पूरे देश भर के लिए बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ हासिल की है। हमारे प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता ने अपना तन मन धन लगाकर जो परिश्रम करते हैं उसी का ये परिणाम है। और मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियां जिसमें अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक विकास का क्रम पहुंच जाए, उसी ये जीत है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत होने पर ऋषिकेश आईडीपीएल सिटी गेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस दौरान उत्साही कार्यकर्ताओं ने हर हर मोदी, घर घर मोदी के जमकर नारे लगाए। रविवार को आईडीपीएल सिटी गेट में भाजपा कार्यकर्ता वीरभद्र मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में उन्होंने ये जश्न यहां पर मनाया।
रुड़की में खानपुर के पूर्व विधायक प्रवण सिंह ने अपने कार्यालय पर तीन राज्यों में भाजपा की सरकार बनने पर खुशी जाहिर की है। तो आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान खुशी जाहिर की, साथ ही जश्न भी उन्होंने मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटने का काम किया। प्रणव सिंह ने कहा कि तीनों राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत से आई है, जिसको देखकर लगता है कि उत्तराखंड में धाकड़ धामी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का जलवा आज भी बरकरार है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई तो नहीं है, कोई उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। विपक्षी पार्टियां चाहे इंडिया बना लें, हिंदुस्तान बना लें, कुछ बना लें, हमारा जो भारत है, भारत में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं। कल हम शादी में जा रहे थे, मेरे साथ छोटे भाई चौधरी राम कुमार जी थे, एक इनके साथ बड़ा जद्दोजहद में पड़ गए। राजस्थान के गवर्नमेंट सर्विस के वो गेजेटेड अफसर थे कि साहब हमारे गहलोत जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, और उस बार तो बीजेपी का पत्ता साफ हो गया। कल की बात बता रहा हूँ, चौधरी साहब का जवाब था कि साहब ऐसा कुछ भी कर दिया हो, हमारे मोदी जी का जलवा है। और वही चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में तीन राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कमल खिलने पर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झंडा चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ ही खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जमकर जश्न मनाया। मीडिया से रूबरू होते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि चार प्रदेशों के चुनाव में तीन राज्यों में बहुमत के साथ कमल खिलना एक बहुत बड़ी बात है। अलग अलग बयानबाजी कर रहे थे कि कमजोर है पार्टी, ये है वो है, और जिन लोगों ने गालियां दी, सनातन की बेइज्जती करी, उनके खिलाफ बहुत अपशब्द बोले, मोदी के खिलाफ अपशब्द बोले, उनके लिए एक करारा तमाचा है जो जनता ने किया। और ये मोदी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जैसे पूर्व में भारत प्रदेश में थी, वो आज भी बरकरार है। और अब 2024 बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया, 2024 में भी अब तक ऐसे जीत होने जा रही है, दिखाई दे। और वही अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति द्वारा दिव्यांगों को कंबल और सिलाई मशीन वितरित की गई। इस अवसर पर महिलाओं को 12 सिलाई मशीनें वितरित की गई, जबकि 120 कंबल दिव्यांगों को बांटे गए। विकलांग कल्याण समिति का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति ठंड की चपेट में आकर बीमार न हो। समिति का प्रयास रहता है कि वो दिव्यांगों के साथ साथ गरीब तबके के लोगों को भी समय समय पर कंबल वितरण का कार्यक्रम के तहत उन्हें लाभ दे। साथ ही विकलांग कल्याण समिति के इस कार्य से शहर के गणमान्य लोगों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। जो सदस्य राहुल साहब हैं, उनकी टीम के साथ मैं मेंबर हूं, और ये हमारी कोशिश रहती है कि विकलांग के दिवस में लोगों को कंबल और सिलाई मशीनों का प्रोग्राम रखा जाता है। ये हर वर्ष में इस एनजीओ के द्वारा कार्यक्रम होता है, और उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के मौके पर हमारी सरकार को, कोई सी भी सरकार हो, उसको इनके विकलांग पेंशन का या और इन लोगों को इस तरह की सुविधा दी जाए सरकारी जगहों में, जिससे ये अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी सकें। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, उस उपलक्ष्य में जो है मोहल्ला महेशपुरा अंसारी साहब की ताल पर जो है उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति के द्वारा हर साल जो है यहाँ दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। सिलाई मशीन और कंबल वितरण करके हमारा उद्देश्य है दिव्यांगों की सेवा करना, और लगातार हम 22 साल से ये काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के द्वारा। काम क्या है, काम करेंगे और जब तक जीवित रहेंगे एक एक खून का कचरा हमारे दिव्यांग भाइयों का। आज हमारी सोसाइटी द्वारा आज देखिए यहाँ पे सिलाई मशीन, सबको सिलाई मशीन का वितरण होगा, कंबल का वितरण होगा, और तमाम बड़े हर्षोल्लास के साथ मिठाई बांटी जाएगी, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, उसे इन लोगों के साथ ही मनाएंगे। आपस में हम लोग सब मिल के साथ मनाएंगे, और आपसे अपील करूंगा आपके चैनल के थ्रू कि कहीं किसी को कहीं विकलांग मिले तो उसकी कहीं ना कहीं मदद जरूर करें, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने से बचाएं। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने कोटद्वार कोतवाली के पुलिसकर्मियों के लिए
बनाए गए स्मार्ट बैरक का लोकार्पण किया। इस दौरान एसएसपी ने कोटद्वार और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 5 महीने में अलग अलग कंपनियों के खोए गए 64 मोबाइल फोनों को उनके स्वामियों तक पहुंचाया। इस अवसर पर पौड़ी जिले की एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि 14 लाख की कीमत वाले इन मोबाइल फोन को साइबर क्राइम की टीम द्वारा बरामद किया गया था, जिनके गुम होने की लिखित सूचना कोतवाली में दर्ज की गई थी। हमारी पुरानी खोई हुई चीजें और मोबाइल में हमारे दुनिया भर का डाटा होता है और ये हमारे अकाउंट से कनेक्ट होता है पुरानी, इसमें हमारी पिक्चर्स होती है, कई चीजें होती है, बड़ा दुख होता है जब खो जाता है। पुलिस ने आपके फोन के लिए काफी मेहनत की है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पुलिस विभाग को और विशेष करके साइबर टीम। लगातार हमारी साइबर पुलिस की जो टीम है उसके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है सीओ ऑप्स के नेतृत्व में, और इसमें पूर्व में भी हमारे द्वारा 2 कार्यक्रम करवाए गए थे वृहद स्तर पर, जिसपे जो मोबाइल ओनर्स थे उनके मोबाइल लौटाए गए, और आज भी लगभग 14 लाख के 64 मोबाइल फोन हैं जो उनके ओनर्स को वापस लौटाए गए। मोबाइल फोन आज का स्मार्टफोन हम सबकी ऐसी बेसिक नीड हो गई है, और इसमें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे कई और डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेफ्ट रहते। और वहीं लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हाल ही में विधायक के परिवहन अधिकारी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर के उनका पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था। दिलीप सिंह रावत कोटद्वार में स्थित बाबा सिद्धबली मंदिर के महंत और बीजेपी विधायक भी हैं। विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर विकासनगर में जन जागरूक रैली निकाली गई। विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से निकाली गई ये रैली बाबूगढ़ से शुरू होकर डाक पत्थर रोड से होते हुए बाजार क्षेत्र पहुंचकर संपन्न हुई, जहां विभिन्न नारे लिखी तख्तियों के साथ दिव्यांगजन और सामाजिक संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस जागरूकता रैली का उद्देश्य ये बताना था कि दिव्यांगजन समाज का एक अहम हिस्सा है, जिन्हें समान रूप से हक दिया जाना चाहिए, साथ ही दिव्यांगजन को भी अपनी अहमियत समझकर समाज में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। दिव्यांग दिवस है जिसको दिव्यांग लोगों का नाम दिया गया है। आज बहुत से संगठन मिलके ये जो दिव्यांग बच्चे हमारे, उनके लिए एक रैली निकाल रहे हैं, वो जागरूक कर रहे हैं कि ये बच्चे भी अपने स्वयं अपने काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक रैली, एक जागरूकता रैली है जिसमें बहुत से संगठन जो है विकासनगर के आज भाग कर रहे हैं और इनके साथ खड़े हैं। सरकार से क्या चाहते हैं इन लोगों की, किस तरह की सुविधा होनी? सरकार से ये चाहते हैं कि इनकी हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में और हर जगह इनके एक अलग ही दिव्यांग लोगों का एक होना चाहिए, जो सरकार कर रही है मेरे हिसाब से। तो विकासनगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर रैली निकाली गई, लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर तमाम सारे दिव्यांगों सहित कई लोगों ने प्रतिभाग किया, लोग यहां पर रैली में नजर आए, साथ ही इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया और लोगों से अपील की गई कि वो दिव्यांगजनों को अहमियत दे, और साथ ही दिव्यांगजनों से भी अहमियत ये अपील की गई कि वो अपने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। रैली के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं जो इस रैली में शामिल हुए हैं। इस दौरान दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता रैली निकाली गई। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे, साथ ही प्रधानमंत्री राजधानी देहरादून में हो रहे इन्वेस्टर समिट में भी प्रतिभाग करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास भी इस दौरान करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव रहा है। राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आते हैं तो उत्तराखंड को कुछ न कुछ सौगात देकर जरूर जाते हैं।
उत्तराखंड में उनका अभिनंदन और स्वागत है। इम्पोर्टेंट है कि मेरे राज्य को क्या मिलने वाला है, क्योंकि 2018 का अगर इन्वेस्टमेंट मीट देखो तो कई लाखों के करार हुए थे लेकिन वो जमीन पर नहीं उतर पाए, और इसका क्या हाल हुआ है मुझे पता नहीं। मैकेंजी और कई अन्य चीजों को लेकर हमने सवाल उठाए थे, देखते हैं आने वाला समय क्या दिखाता है। देखिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जब जब उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कुछ न कुछ सौगात लेके जाते हैं और उनका अभिनंदन है, स्वागत। आप एक चीज देखो, पूरे पिछले 19 साल से एक बीजेपी पूरी तरह कागज लगा के है, कहीं लगाए न लगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से लौटते ही जौलीग्रांट से FRI सड़क निर्माण कार्यों और सौंदर्यीकरण के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। 8 और 9 दिसंबर को FRI देहरादून में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल का भी निरीक्षण किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 राज्यों के चुनाव के परिणामों को लेकर कहा कि देश की जनता केवल मोदी जी की गारंटी पर ही भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने सत्ता में वापसी की है, वही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारी बहुमत से जीते हैं, तेलंगाना में भी हमारा वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है, वहीं देश की जनता परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को अब समझ चुकी है। गुड गवर्नेंस है, गरीब कल्याण है, उसको लोगों ने स्वीकार किया है, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, और तुष्टीकरण और परिवारवाद जिन्होंने देश की आजादी के बाद लगातार किया है, ऐसे दलों को उन्होंने विदा किया है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आई है, और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बड़ा है, ये इस बात का संकेत है। और आने वाले 2024 के जो चुनाव के परिणाम हैं वो स्पष्ट अभी से ही हो जाते हैं कि 3/4 बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आगामी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को करेंगे। वहीं सीएम धामी ने इस मामले में कहा कि पीएम मोदी आशीर्वाद देने आ रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि इस आयोजन से उत्तराखंड में काफी संख्या में इन्वेस्टर्स आएंगे और वो यहां पर उद्योग लगाएंगे। तैयारियों को, क्योंकि ये जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर ग्लोबल समिट, ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है, और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने जो डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो हम कर रहे हैं वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि वाइब्रेंट गुजरात जो उन्होंने वहां पर शुरू किया था उसी से प्रेरणा लेकर हमने काम शुरू किया है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि जहां निवेश बढ़े, यहाँ की आर्थिकी बढ़े, रोजगार बढ़े, व्यापार बढ़े, उद्योग धंधे बढ़े, वहीं हमारे यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को अपने घर के पास ही काम मिले, रोजगार मिले, और ऐसे जो निवेशक हैं जो इस को प्राथमिकता देंगे या अधिकांश रोजगार सृजन करेंगे उनको हम प्राथमिकता देंगे। अब खबर देहरादून से, जहां आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियों को लेकर के सीएम धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून तक औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से तीन में बीजेपी जीती है तो वहीं एक में कांग्रेस ने कब्जा किया है। और मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में आज नतीजे आने हैं, जिसके बाद से बीजेपी में काफी जश्न का माहौल दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको उसी रूप में देखती है जिस रूप में भारत की महान जनता ने देखा है। जनता ने अपना निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लिया है और मोदी जी की गारंटी पर मोहर लगाई है, उसके लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चार राज्यों में आए चुनाव के परिणामों को लेकर के खुशी जाहिर की है। दोनों नेताओं ने कहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार से केंद्र सरकार फिर से बनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की जनता केवल मोदी जी की गारंटी पर ही भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने सत्ता में वापसी की है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम भारी बहुमत से जीते हैं, तेलंगाना में भी हमारा वोट प्रतिशत पहले से काफी बढ़ा है। धामी जी ने कहा कि ये बात इस ओर इंगित करती है कि देश की जनता परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को समझ गई है। वही केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार द्वारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टिकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है। जो सनातन और तुष्टिकरण के पक्ष विरोध में रहे हैं उनको किनारे करने का काम किया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बड़ा है। मैं सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है उनको मैं बधाई देता हूं, वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं और वहां के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, आम जनता को, सामान्य जनता को बधाई। और 2023 का ये सेमीफाइनल था और फाइनल का आगाज जनता ने स्वयं कर दिया। अब जनता जातिवाद नहीं अपने विकासवाद को समर्थन दे रही है, इसका उदाहरण चुनाव में हमने देखा है। भाजपा सरकारों के कार्यों को जनता धरातल पर देख रही है और उस जनादेश में वो प्रवर्तित हो रहा है। किसी भी राज्य में और केंद्र में अब जनता केवल विकास चाहती है और विकास के लिए जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, इसका उदाहरण हम तीन चार में से तीन राज्यों में हमने देखा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दावा किया है कि चार राज्यों के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उनसे कांग्रेस काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हम जीत गए हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अगले बार जीतने की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस जीत को लेकर के काफी अच्छा माहौल देखा गया। आठ लोग मरे यहाँ का, मैंने कुछ निकाली है वो, लेकिन उनको देखिए शुरुआती रुझान है। तेलंगाना हम जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं अच्छे मार्जिन से, छत्तीसगढ़ में टक्कर है और निश्चित ही राजस्थान से हमको उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश के रिजल्ट जो हैं प्रत्याशित हैं, लेकिन मैं पहले दिन दो दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मध्य प्रदेश को हारते हुए बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि कई व्यापम से लेकर कई चीजें ऐसी हैं जिससे बीजेपी को पूरे राष्ट्र में नुकसान हो सकता है। तो मध्य प्रदेश मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ का मैंने कुछ देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।